हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 97। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 97 है और पार्ट टू है पेडियाट्रिक एंड चाइल्ड नर्सिंग से। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे पेडियाट्रिक एंड चाइल्ड नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट से रिलेटेड जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में पेडियाट्रिक एंड चाइल्ड नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, स्टाफ नर्स, एएनएम, जेएनएम, सीएचओ, एमपीपीपी, वीआईपीएम्स एंड एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम, बिहार एंड ऑल स्टेट्स आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एम्स, पीजीआई, हरियाणा, स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला, महाराष्ट्र, आसाम फ्रेंड्स, पंजाब, चंडीगढ़, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया है, एक वर्ष से छः वर्ष की आयु के बच्चों के वजन की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? बाय विच फार्मूला इज द वेट ऑफ चिल्ड्रेन बिटवीन वन एंड सिक्स ईयर ओल्ड कैलकुलेटेड? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक से छः वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट वेट की मेजरिंग की जाती है वो किस फार्मूले से की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, इन द एग्जाम से आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी, और आप बताएं लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन, ये उम्र वर्ष में होगी इंटू टू होगा प्लस एट होगा। यहाँ पर एट क्या होता है, के जी में होता है। ऑप्शन जैसा लिखा है आप इसी तरह याद कर ले, इंग्लिश में हम नीचे बता रहे हैं इसका जो आंसर होगा। यहाँ पर उम्र मतलब एज ईयर्स में होगी इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे और एट ये प्लस कर देंगे, इससे क्या होगा वजन की मतलब वेट की गणना की जाती है, ये एक फार्मूला होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिटेल्स में, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ये एस्टिमेटेड फार्मूला ऑफ द चिल्ड्रेन, एक से छः साल के बच्चों के लिए, एक से छः साल के बच्चों के लिए जो एक से छः साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनका जो वेट निकाला जाता है कि वेट जो निकाला जाएगा केजी में निकलेगा। यहाँ पर तो एज होगी ईयर्स में, मान लो कोई बच्चा पाँच साल का है तो उसका एज लिखेंगे यहाँ पर फाइव ईयर्स, और फिर इसके बाद एज लिखेंगे यहाँ पर फाइव ईयर्स इंटू टू करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस एट करेंगे यहाँ पर, मतलब ये कितना हो जाएगा, फाइव टू जा टेन हो जाएगा, प्लस एट करेंगे तो मतलब कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये भी केजी में था आठ ये और दस ये, आठ ये कितना हो जाएगा अठारह केजी। तो पाँच साल के बच्चे का जो वेट होगा वो कितना होगा, 18 केजी का होगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का सल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसका आंसर। यहाँ पर एज जो होगी वो आप ईयर्स में लिखेंगे, मान लो कोई बेबी है चार साल का तो ये ईयर्स में होगा, ठीक है, और टू का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, टू का, फिर प्लस इसमें आठ जोड़ देंगे, आठ ऐड कर देंगे, इससे वेट निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, एज पे ध्यान रखना है, एक से छः साल के बच्चों के लिए ये अप्लाई करते हैं और सात से दस साल के बच्चों का जो वेट निकाला जाता है उसमें फार्मूला यही रहता है, वेट वेट मतलब केजी में वेट निकलेगा, इसमें वेट इजकल टू या वजन इजकल टू एज होगी ईयर्स में, लेकिन तीन का मल्टीप्लाई किया जाता है। सात से दस साल के जो बच्चे होते हैं उसमें, मान लो सात साल का कोई बच्चा है तो उसमें क्या होगा, तीन का मल्टीप्लाई होगा प्लस दो प्लस किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन प्लस टू, मतलब कि जो उसका वेट होगा लगभग 23 के आसपास होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन 23 के आसपास होना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक से छः साल के लिए इस तरह लगेगा, एज इन एयर मल्टीप्लाई टू प्लस एट, और फिर सात से दस साल के लिए जो बेबी होंगे उनका वेट कैसे निकाला जाएगा, एज लिखोगे साल में या वर्ष में ईयर्स में, तीन से मल्टीप्लाई करोगे और दो को प्लस कर दोगे, ठीक है, मतलब दो किलो और प्लस कर दोगे तो उसका क्या होगा, वेट निकल आएगा सात से दस साल के बच्चे का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा टू पढ़ लें आप और अपना आंसर बताएं। किसी लिंब या अंग का शरीर की मध्य रेखा की ओर गमन क्या कहलाता है, गमन करना क्या कहलाता है? इंग्लिश में पढ़ लें आप क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ अ लिंब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ऑप्शन इंग्लिश में ही दिए जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, तो इसलिए इंग्लिश में ही याद करना है ये, जो भी हिंदी मीडियम से भी हैं, क्योंकि ये सभी के लिए कवर किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लिश में याद करोगे क्योंकि ऑप्शन यही मिलेगा आपको इसी तरह, ठीक है।
हिंट मिलेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, स्पेलिंग है एटलीस्ट आप फोकस करेंगे तो अच्छे से फाइंड कर लेंगे एग्जाम्स में। किसी लिंब या अंग का ये लिखा शरीर की मध्य रेखा की ओर गमन करना क्या कहलाता है? अडक्शन कहलाता है। चलिए समझ लेते हैं पहले अडक्शन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है। ये दो वर्ड काफी प्रॉब्लम्स करते हैं, एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना। ये अडक्शन लिखा है इज द मूवमेंट ऑफ अ बोन टूवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब इसमें बताया गया है, मान लो ये आपका, यहाँ पर आपको समझाते हैं फिगर्स पे, ये आपका बॉडी है, ये आपके जो हैंड है, ये हैंड है, ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अडक्शन का मतलब क्या होगा, जो कोई भी बोन होगी या बॉडी का पार्ट होगा या जो लिम्स होंगे वो बॉडी के अंदर की ओर गमन करेंगे, किधर गमन करेंगे मतलब अंदर की ओर रहेंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे अडक्शन। क्या कहेंगे? अडक्शन कहेंगे। या आप हाथ, जैसे ये आपका हैंड है तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, मान लो ये उंगलियां हैं आपकी, ये मान लो आपके हाथ की उंगलियां हैं, तो इस पे आपको क्या करना है, ये उंगलियां जो फैली हुई हैं तो अडक्शन में क्या होता है, ये आपस में चिपक जाती हैं, इस तरह होता है, इस तरह होता है अडक्शन में, इस तरह होता है। तो आप इसी तरह बॉडी में, मान लो ये हाथ आपका फैला हुआ है बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर ना होके ये अंदर की ओर होता है, इनवर्स होता है, किधर होता है, ये इन्वर्स होता है, टूवर्स होता है बॉडी की ओर, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी की ओर होगा, मतलब अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तो इसे अडक्शन कहा जाएगा, ओके। और जो हाथ की उंगलियां, मान लो ये अडक्शन कहलाएगा जब पास पास उंगलियां होंगी, बॉडी का हाथ के, देखो पैर के पंजे हो सकते हैं, हाथ की उंगलियां हो सकती हैं, कोई भी होगा, तो अगर वो चिपकी होंगी इस तरह तो उसे अडक्शन कहेंगे। अगर वो इस तरह फैला दी जाए, मान लो आप अपनी उंगलियों को फैला देंगे इस तरह अगर उनको दूर दूर कर दोगे तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे अपडक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे अपडक्शन कहा जाएगा। ध्यान दे, अगर बॉडी के जो उंगलियां हैं उन्हें मिड लाइन, मतलब बॉडी के मिड लाइन, मतलब ये मिड लाइन है बॉडी के मिड लाइन की ओर या अंदर की ओर कर दी जाएगी तो उसे क्या किया क्या, या हाथ को अंदर की ओर कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अडक्शन। अगर मान लो ये हाथ है, हाथ को बाहर की ओर कर दिया जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, अपडक्शन कहा जाएगा। नीचे मेंशन है, वो भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर हिंदी में भी है, यहाँ पर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हाथ या उंगलियों को मिड लाइन ऑफ द बॉडी के पास लाना, मिड लाइन ऑफ द बॉडी के पास लाना अडक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट पे लिखा है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर ये अबडक्शन के बारे में लिखा है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द बॉडी, ये अबडक्शन लिखा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर लिख लें ABDUCTION, ठीक है, ये अबडक्शन का है। अबडक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम दी बॉडी ऑफ दी मिड लाइन, ये मतलब बॉडी से बाहर की ओर का मूवमेंट होता है, इस तरह है, मतलब यहाँ पर आप लिख लें नोट पे, ये यहाँ पर लिखा था मैंने, लेकिन क्या हुआ, कट गया, लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर अबडक्शन लिखना है, क्या, अबडक्शन, ABDUCTION, ये अबडक्शन के लिए, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ दी बॉडी, मतलब मूवमेंट क्या होगा बॉडी का, बाहर की ओर होगा, ठीक है, ये पार्ट का, ये पार्ट है आपका, ये हाथ, ये अडक्शन में नीचे इधर अंदर की ओर आता था और इस पे क्या होगा, बाहर की ओर होगा, मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इतनी बात समझ लें, ये अडक्शन के लिए है और ऊपर वाला जो था वो अडक्शन के लिए था, ठीक है। पास में जो बॉडी के आएगा तो इसे अडक्शन कहेंगे, दूर जाएगा तो उसे अबडक्शन कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जन्म के समय असमान रूप से मोटी अम्बलाइकल कॉर्ड क्या कहलाती, व्हाट इज एन अनइवनली थिक अम्बलाइकल कॉर्ड एट बर्थ, क्या कहेंगे उसे, बताएं भाई अपना आंसर। इसे जो कहा जाता है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्या, वार्टन जेली कहा जाता है। जन्म के समय असमान रूप से जो मोटा अम्बलाइकल कॉर्ड होता है ना, यहाँ पर स्पेलिंग देख लें तो उसे क्या कहा जाता है, वार्टन जेली कहा जाता है। ये एक प्रकार का जेली होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है, लिपटा जैसा होता है, ठीक है। ये लिखा है अम्बिलिकल कॉर्ड थिकनेस कैन बी रिलेटेड टू एन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द वाटर जेली, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पर क्या होता है, ये वाटर जेली लगी होती है, इस वजह से क्या होता है वो समान से असामान्य हो जाता है, मतलब काफ़ी मोटा सा दिखने लगता है या इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, वो उसे क्या कहते हैं, वाटर जेली कहते हैं, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लें अपना आंसर बताएं, किस अपगार स्कोर की प्रेडिक्टिव वैल्यू अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, विच अपगार स्कोर हैज हायर प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो क्या होगा राइट आंसर। कब की जाती, दो बार की जाती है, जन्म के समय जब बेबी बॉर्न होता है, डिलीवर्ड होता है, तो दो बार की जाती है, ठीक है, एक की जाती है 1 मिनट में, दूसरी की जाती है 5 मिनट में, ठीक है,
ये कितनी बार की जाती है, अफगार स्कोर से जो स्क्रीनिंग की जाएगी 2 बार की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जो जिसकी सबसे अधिक प्रेडिक्टिव वैल्यू अधिक होती है वो होती है 5 मिनट, मतलब जो बाद में की जाती है, ठीक है। पहले की जाती है जब बेबी जन्म लेता है तो 1 मिनट वाली की जाती है, 1 मिनट बाद की जाती है, फिर इसके बाद 5 मिनट बाद की जाती है। इसकी जो 5 मिनट बाद की जाती है दूसरे नंबर वाली, इसकी जो प्रोडक्टिव वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है। ओके, मतलब सही जानकारी प्राप्त होती है इससे। अफगार स्कोर में करते क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, कई बार हमने बताया है लेकिन ध्यान रखना है आपको। द अफगार स्कोर इज अ टेस्ट गिवेन टू न्यू बॉर्न सून आफ्टर बर्थ। ये कितना जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये टेस्ट किया जाता है। दिस टेस्ट चेक अ बेबी हार्ट रेट। इस टेस्ट में अफगार स्कोर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अफगार स्कोर में क्या क्या किया जाता है। बेबी का हार्ट रेट चेक किया जाता है, मसल टोन चेक की जाती है, एंड दी अदर साइन टू सी, और भी कई साइन देखे जाते हैं इफ द मेडिकल केयर और द इमरजेंसी केयर इज नीडेड। ये इसलिए चेक किया जाता है कि उसे कोई और एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की तो जरूरत नहीं है। अफगार स्कोर से ये सब चीज़ें चेक कर ली जाती है, कौन कौन सी, हार्ट रेट, मसल टोन और भी कई चीज़ें चेक कर ली जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है बेबी को और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिकल केयर की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि उसे आईसीयू में मतलब एडमिट करना है या नहीं करना, अफगार स्कोर से ऐसा पता चलता है। अगर 5 के आसपास अफगार स्कोर होता है, इसमें 0 से 10 तक के नंबर होते हैं, 5 के आसपास होता है तो इसे कहेंगे मॉडरेट कहते हैं। 5 होता है मॉडरेट कहेंगे, अगर 5 के ऊपर जा 5 या 6 होगा तो मॉडरेट कहेंगे, 7 से 7, 8, 9 तो उसे कहते हैं हेल्दी है या नॉर्मल है, ठीक है। अगर 9, 10 होगा तो कहेंगे कि वो वेरी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा है बेबी जो जन्मा है, ठीक है। द टेस्ट इज यूजली गिवेन ट्विस्ट। ये टेस्ट 2 बार किया जाता है जन्म के समय, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, सून आफ्टर बर्थ। ओके, एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ क्या होता है, आप जन्म के 1 मिनट बाद, फिर होता है दोबारा क्या होता है जन्म के 5 मिनट बाद की जाती है। और इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू सबसे अधिक होती है, किसकी, 5 मिनट वाले की, क्योंकि इससे अच्छा डाटा मिल जाता है और सही से मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें, आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन सा है। व्हाट इज द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ये फार्मूले जो भी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखें। वेट होगा KG में, फिर इसके बाद ये लिखा है अपान मतलब बाई हाइट इन मीटर, और ये जो 2 लिखा है 2 का मतलब स्क्वायर, नीचे देख लें आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो कि BMI किसी भी किसी का भी निकालना है, BMI जब निकाला जाता है तो इस पर होता क्या है, तो वेट क्या होगा, वेट लिखा जाएगा ऊपर ऊपर वेट लिखा जाएगा, यहाँ पर BMI इजकल टू लिखा जाएगा। आप इस तरह फार्मूला लिख सकते हैं, BMI इजकल टू वेट होगा KG में, यहाँ पर आप KG लिख लेना, वेट होगा KG में, जो हाइट होगी वो किस में होगी, हाइट होगी मीटर स्क्वायर में, किस में, मीटर स्क्वायर में, आप इस तरह समझें, या वेट होगा यहाँ पर KG में, ठीक है, ये वेट होगा KG में, यहाँ पर जो हाइट होगी, हाइट के बारे में जो बात करेंगे वो होगा मीटर स्क्वायर, मतलब जितनी भी हाइट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर वेट लिखेंगे, जितना भी वेट होगा, यहाँ पर हाइट कितने मीटर है, वो 1 मीटर है, 2 मीटर है, या 1 मीटर से कम है, या अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना, और आपको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वेट जो होगा वो आपको ग्राम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेम रखी जाती हैं, ठीक है। अगर वेट आप ग्राम में लिखें, वेट अगर ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइट सेंटीमीटर में लिखेंगे, किस में, सेंटीमीटर में लिखेंगे। लेकिन जो मोस्टली एग्जाम्स में मिलेगा आपको फाइंड करने के लिए, तो मोस्टली ये मिलता है आपको, ठीक है, किस पे, वेट मिलेगा KG में, और फिर अपान हाइट होगी स्क्वायर, ये जो 2 लिखा है 2 का मतलब है मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अपान है यहाँ पर, जो ये ऑब्लिक लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब अपान है, ठीक है, वेट अपान हाइट मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख लेना आप। ओके, फिर यहाँ पर देख लें आप, बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल कैलकुलेशन यूज इज अ पर्सन हाइट एंड वेट। इससे क्या होता है, हाइट और वेट देखा जाता है, हाइट या वेट निकाला जाता है। द फार्मूला इज BMI क्या होता है, KG अपान मीटर स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, KG अपान मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, मतलब ये वेट होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे मीटर में, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लें, एक बात और मेंशन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BMI अगर 25 या इससे ज़्यादा है तो उसे ओवरवेट कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ओवरवेट। और हेल्दी के लिए हेल्दी रेंज कितनी होती है, ये 18.5 से 24.9 के बीच में अगर BMI स्कोर है आपका, तो इसे क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे या नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, हेल्दी पर्सन माना जाता है, 18.5 से 24 या
आप इतना समझे, 18 और 24 के बीच वाला हेल्दी कहलाएगा, 25 से ऊपर है या 25 से तो उसे कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है, ओवरवेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। ये लिखा है स्पाइनल डिफार्मिटीज किस विटामिन की कमी को सूचित करता है या इंगित करता है, तो बता सकते हैं अपना आंसर, आप पढ़ लें इंग्लिश में भी क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है विच विटामिन डिफिशंसी इंडिकेट स्पाइनल डिफार्मिटीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन डी। स्पाइनल डिफार्मिटीज किस विटामिन की कमी से हो जाता है या किस विटामिन की कमी को बताता है या सूचित करता है, तो ये स्पाइनल डिफार्मिटीज को सूचित करता है। स्पाइनल आप जानते होंगे ये रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन होती है, इसमें जो डिफार्मिटीज हो जाती है किस विटामिन को संकेत करती है, इंडिकेट करती है, विटामिन डी को इंडिकेट करती है। मान लो आपको ऑप्शन में विटामिन डी ना दिया जाए तब आप विटामिन B12 मार्क करेंगे आंसर, ठीक है, क्या विटामिन B12 मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली आपको दिया जाएगा लेकिन जब ना दिया जाए तो विटामिन B12 आपको मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। यहाँ पर लिखा किस पोषक तत्व की कमी कारण नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, मतलब NTD, कल बताया था हमने इसे काफ़ी डिटेल्स में, वहाँ पर आप जाके इसका डिटेल्स भी देख लें, पिछला वीडियो भी देख लें, 96 नंबर टेस्ट। लिखा है विच न्यूट्रिशन डिफिशंसी काजित न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में वो किस पोषक तत्व की कमी कारण नवजात शिशुओं में NTD हो जाता है, आपको ये बताना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोलेट की कमी से। किस पोषक तत्व की कमी कारण नवजात जो शिशु होते हैं न्यूबॉर्न में उनमें NTD हो जाता है, वो फोलेट की कमी से हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, फोलेट क्या है, ये पहली बात बता दें, रेटिनॉल विटामिन ए, ये फोलेट को कहते हैं फॉलिक एसिड, नियासिन विटामिन B3 और ये बायोटिन को विटामिन B7 कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बायोटिन को विटामिन B7। अब यहाँ पर ये जो मेंशन है फोलेट, फोलेट को ही क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है, यहाँ पर आप पढ़ लें अच्छे से, इसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। अब फॉलेट के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से NTD हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बच्चों में, न्यूबॉर्न में। ये लिखा फॉर्मली नोन एज द फॉलिसियन, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि फॉलिसियन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन B9 को जाना जाता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, फॉलेसिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, विटामिन B9 को जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है फोलेट को और क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे फोलेसिन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फोलेट को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है, तब आप बताएंगे विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फोलेट इज इक्वल टू फुलासिन एंड विटामिन B9, ये लिख लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और कई बार पूछे भी जाते हैं यहाँ से। ये लिखा है फॉलिक एसिड, इसको कहते हैं फोलेट, मतलब ये विटामिन B9 है। ओके, इज अ टाइप ऑफ दी विटामिन बी, ये एक प्रकार का क्या है, विटामिन बी का टाइप है। डेट्स की फॉर द सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, और इसका जो कार्य होता है फॉलिक एसिड या फोलेट का, जो सेल ग्रोथ होती है उसके डेवलपमेंट में और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ये बात को ध्यान रखना है। ओके, अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन फॉलिक एसिड या विटामिन B9 नहीं खाती हैं, नहीं लेती हैं पर्याप्त मात्रा में, तो उनको बेबी को क्या हो जाएगा, NTD हो जाएगा, मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर और समझ लें, ये लिखा है फोलेट या फॉलिक एसिड या विटामिन बी टाइप इट हेल्प, इसका कार्य क्या होता है, एक कार्य और लिखें इसके बारे में, फोलेट या फॉलिक एसिड विटामिन B9 नाम, ये ध्यान रखने तीनों, ठीक है, इसका काम होता है ये DNA को बनाता है और DNA को रिपेयर करता है, ये DNA को बनाता है जब बेबी माँ के कोख में पल रहा होता है या जन्म ले रहा होता है, तो क्या होता है, ये फॉलिक एसिड या फोलेट या फोलासिन ये DNA का निर्माण करता है और DNA को रिपेयर करता है एंड प्रोड्यूस दी RBC रेड ब्लड, RBC का भी, रेड ब्लड सेल्स का भी निर्माण करता है, कौन, फॉलिक एसिड या फोलेट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये तो हो जाती हैं, इनकी कमी से ये तो होगा NTD होगा और भी होगा, लेकिन फॉलिक एसिड की जब इस तरह पूछ लिया जाए तो इसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है, क्या, एनीमिया मतलब खून की कमी भी हो जाती है जब, क्योंकि RBC का काम ही, फॉलिक एसिड का काम है RBC का निर्माण करना, और RBC जब कम हो जाएंगी तो इसका मतलब एनीमिया के लक्षण आपके अंदर प्रोड्यूस होने लगेंगे। ओके, आप समझ लें कि खाना क्या क्या चाहिए, क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिससे आपको विटामिन B9 मिले या
या फॉलिक एसिड मिले या फॉलेट मिले। इसके लिए आपको सब्जियां खाना चाहिए, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब जो बहुत गहरी हरी सब्जियां नहीं होती, जैसे पालक पत्ते हो गए, और भी जैसे चने का साग हो गया, और भी कई चीज़ें आती हैं जो गहरा हरा सब्जी होता है, मतलब वेजिटेबल्स होता है, उसे खाना चाहिए। और फ्रूट्स खाने चाहिए, मतलब फलों को खाना चाहिए, और फल का जूस पीना चाहिए विटामिन B9 की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि ये RBC का निर्माण करते हैं आपकी बॉडी में, DNA को बनाते हैं, DNA को रिपेयर करते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेंस इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती तो क्या हो जाता है, इनीमिया हो जाता है, क्या इनीमिया कहते हैं जिसे। ओके, और क्या क्या खा सकते हैं आप, मटर खा सकते हैं, जो हरा मटर हो नहीं होता, इसमें भी पाया जाता है फोलेट या विटामिन B9। बीन्स, नट्स जो भी होते हैं, काजू बादाम, ये सारी चीज़ें, मतलब आलमंड्स वगैरह, एग्स में, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में, और पोल्ट्री, मतलब ये चिकन विकन में भी पाया जाता है, ग्रेन में भी पाया जाता है, इन सभी में ये पाया जाता है, ठीक है, कौन, फॉलिक एसिड या विटामिन B9, ये खाने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। और वैसे भी सभी को इस्तेमाल करना चाहिए जितने भी सोर्स दिए गए हैं, ताकि आपको जो भी आप खाते हैं अकॉर्डिंग टू आप अपनी चॉइस के अनुसार खा सकते हैं, ताकि आपके अंदर फोलेट का या फोलासिन या विटामिन B9 की कमी ना हो। ओके, उम्मीद है आप अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बड़ी आंत का कौन सा हिस्सा शॉर्ट सेगमेंट डिसीज से प्रभावित होता है, विच पार्ट ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड बाई दी शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर रेक्टो जो लिखा है, रेक्टो के बाद अगर आप हाइफन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, ये लिखे हैं रेक्टो सिग्मॉइड कॉलन। क्वेश्चन जैसा लिखा इसी तरह आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पर आप थोड़ा जानकारी दिया है हमने, यहाँ पर आप पढ़ने से तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर लिखा है वेन दी, काफ़ी टफ वर्ड लिखा है, ये लिखा है हर्ष स्प्रिंग डिसीजेज अफेक्टेड दी इंटायर लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड दी लॉन्ग सिगमेंट डिसीजेज। एक बात पे ध्यान दो आप, क्वेश्चन पे हमने पूछा था कि शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज, बड़ी आंत का कौन सा भाग जो शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज प्रभावित होता है, तो आंसर में था ऑप्शन बी, मतलब रेक्टो सिग्मॉइड कॉलन। लेकिन एक और यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, कि जब एक ये बीमारी होती है, ये स्पेलिंग लिखी यहां से देख सकते हैं, और इसे हिंदी में ना लिखे, इंग्लिश में ही कन्फर्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये लिखा है हर्ष स्प्रिंग डिसीजेज अफेक्टेड दी एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन, जब ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है तो, और बड़ी आंत के पूरे पार्ट को प्रभावित करेगा, तब इसे कहेंगे लॉन्ग सेगमेंट डिसीजेज। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि लॉन्ग सेगमेंट डिसीजेज क्या होगा, जब बड़ी आंत के पूरे, मतलब लॉन्ग सेगमेंट पूरे पार्ट को बड़ी आंत के प्रभावित करेगा, तो इसे कहेंगे लॉन्ग सेगमेंट डिसीजेज। जब लेकिन ये छोटे, मतलब शॉर्टर पार्ट को इफेक्ट करेगा, तब इसे कहेंगे शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज। यही हमारा आंसर है, राइट आंसर यही है। वेन अफेक्ट्स अ शॉर्टर लेंथ ऑफ दी कॉलन, या जो बड़ी आंत है उसके छोटे पार्ट को प्रभावित करेगा, मतलब पूरा पार्ट को प्रभावित न करके थोड़े पार्ट को मान लो प्रभावित करेगा, तो उसे कहेंगे शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज कहेंगे। जब ये पूरे पार्ट को प्रभावित करेगा तो इसे क्या कहेंगे, लॉन्ग सेगमेंट डिसीजेज। ओके, और ये किसकी वजह से होता है, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये इसकी वजह से होता है ये, ठीक है, ये लिखा है हर्ष स्प्रिंग डिसीजेज की वजह से होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है HIR करके, ध्यान दें, ये लिखा है हर्ष स्प्रिंग डिसीजेज इज आल्सो कॉल्ड, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये कॉन्जिनेटल मेगाकोलिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, कॉन्जिनेटल मेगाकोलिन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी वजह से क्या क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज हो जाता है और लार्ज सेगमेंट डिसीज हो जाता है। शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज कब हो जाएगा, जब ये क्या करेगा, बड़ी आंत को, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को कम मात्रा में प्रभावित करेगा, मतलब छोटी एरिया में प्रभावित करेगा, तो इसे कहेंगे शॉर्ट सेगमेंट डिसीजेज। जब ये पूरे को प्रभावित कर देगा तब कहेंगे लॉन्ग, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लॉन्ग सेगमेंट डिसीजेज। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये बात समझ लें आप पहले, कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हर्ष स्प्रिंग डिसीजेज, ये क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम है यहाँ पर मेंशन है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर समझ ले। लिखा एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन डेट काजेज दी डिफिकल्टी पासिंग स्टूल, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है स्टूल को पास होने में, ठीक है, ये वो बीमारी मेंशन है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, कॉन्जिनेटल मेगाकोलिन, मतलब कॉन्जिनेटल का मतलब होता है जो जन्मजात होती हैं, ठीक है, थीके? यहाँ पर इस बीमारी के बारे में बताया गया, ये बीमारी लिखी है। ओके, पढ़ लें यहाँ पर, पास डिफिकल्टी टू पासिंग टूल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, पढ़ें आप अपना आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है श्वसनिका संक्रमण। यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखें इंग्लिश में वर्ड लिखा है इसके लिए, ये लिखा है ब्रेंकियोलाइटिस के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक कौन सा है, विच इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दी ब्रेंकियोलाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये लिखा है RSV। क्या लिखा है? RSV। ब्रेंकियोलाइटिस के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो कौन सा होता है? RSV। आप समझ लें आप डिटेल्स में से कि RSV क्या होता है। मोस्ट केसेस ऑफ द ब्रेंकियोलाइटिस आर द कास्ड बाई रेस्पिरेटरी, ये लिखा है सिंसाइटियल वायरस। RSV से शॉर्टकट में हमेशा लिखा जाता है, इसका जो पूरा नाम है ये मेंशन है आप, लेकिन पूरा नाम भी याद रखेंगे या लिखेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म RSV, ये जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस इसकी वजह से होता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? रेस्पिरेटरी, ये लिखा है सिंसाइटल वायरस, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये लिखा है RSV इज अ कॉमन वायरस डेट इन्फेक्ट जस्ट अबाउट चाइल्ड बाई 2 ईयर्स ऑफ द एज। ये एक प्रकार का वायरस होता है RSV, मोस्टली ये 2 साल के बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, जो 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रभावित करता है, और इसका जो इन्फेक्शन होता है RSV इन्फेक्शन, ये मोस्टली जो जाड़ों में बहुत फैलता है। कब आउटब्रेक होता है? जाड़ों में, मतलब सर्दियों में बहुत फैलता है, विंटर सीजन में बहुत फैलता है। ओके, उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। जब आपको डिटेल ज़्यादा समझ में आया तो कम से कम क्वेश्चन टू आंसर याद कर लें। ठीक है, इतना जानकारी के लिए आपके लिए काफ़ी होगा, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा नॉलेज होगा आपको, ताकि क्वेश्चन को आप इजीली फाइंड कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य श्वसन तंत्र का सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है, विच इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द मिडल रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लिखा है LBT। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप समझ लें LBT क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। ये हमेशा जब भी आपको मिलेगा तो शॉर्टकट में ही मिलेगा इस तरह, ठीक है, इस तरह ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो टफ LBT का जो पूरा नाम है ये लिखा है, आप इसे पढ़ लें जिस तरह आप पढ़ना चाहें इसे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, LBT का पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लें, ये इसका आंसर है, हमेशा शॉर्टकट में मिलता है, लेकिन आप ये पूरा नाम लिख जरूर लेना। ओके, अब होता क्या है इस पर क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन और सूजन आ जाती है ऑफ दी लैरिंग्स में, ट्रैकी में, एंडी ब्रोंकी एक्ट, और इन सभी को और किस नाम से जाना जाता है? क्रूप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रूप के नाम से। ये स्पेलिंग मेंशन है यहाँ पर, आपको डायरेक्टली जब कुछ ना आए तो इतना क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर लिखो, ठीक है, इतना याद करो, और इसका ये पूरा नाम जरूर लिख लेना। जब ये बात समझ में ना आए तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किस में इन सब चीज़ों में, और इन सब चीज़ कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ये क्रूप के नाम से जाना जाती है, RUP के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ें अपना आंसर बताएं। सांस लेते समय खरखराहट या कर्कश की आवाज़ क्या कहलाती, व्हाट इज द साउंड ऑफ द रैटल आर द हॉर्स ब्रीथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है स्ट्राइडर। क्या लिखा है? स्ट्राइडर। स्पेलिंग आप पढ़ लें यहाँ से, जो भी लिखा है इस तरह स्पेलिंग याद कर लें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा आप इंग्लिश में पढ़ेंगे याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा मिल जाएगा, और जो भी एग्जाम सभी हाल ही में हुए थे तो कई में हमने चेक किए हैं क्या है हिंदी में, इंग्लिश में तो क्वेश्चन सही था मोस्टली। ठीक है, हिंदी में क्या है उनका बहुत उल्टा सीधा प्रोनाउंसिएशन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन टू ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देख लें कि ये जो स्ट्राइडोर, ये लिखा है स्ट्राइडोर, ये होता क्या है? ये लिखा है इज अ हाई पिच वीजिंग एंड साउंड कास्ट बाई द डिस्टरप्टेड द एयर फ्लो। ये लिखा है स्ट्राइडोर मे बी आल्सो बी कॉल ऑफ द म्यूजिकल ब्रीथिंग एंड दी एक्स्ट्रा थोरेसिस एयर द ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर फ्लोज ऑफ द यूजुअली डिस्टरप्टेड बाई द ब्लॉकेज इन द लैरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स और द ट्रैके एंड वाइंड पाइप। जब क्या होता है ये इनको ब्लॉक कर देता है, लैरिंक्स को, वॉइस बॉक्स को या विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, तब एक प्रकार की आवाज़ आती है, खरखराहट आती है सांस लेने में, तो इसे कहा जाता है स्ट्राइडोर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपके वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज़ आती है, और विंड पाइप है जो इसके ट्रैकी कहा जाता है, और इसको वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स के नाम से जाना जाता है। जब इनमें क्या होता है ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं, ठीक है, या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो इससे क्या होती है खरखराहट की आवाज़ आती है, कर्कस की आवाज़ आती है, और इसे क्या कहेंगे तब? स्ट्राइडोर के नाम से जाना जाता है। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं इसे और स्पेलिंग देख लें। ओके,
क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 12 नंबर। किस विकार को ये लिखा है पोर्ट्स कर्वेचर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, विच डिस ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज पोर्ट्स कर्वेचर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है किफोसिस पढ़ा जाता है। क्या इसे पढ़ा जाता है? किफोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, जो पोर्ट्स कर्वेचर के नाम से। और किस बीमारी को या और किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे ये लिखा है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं, किफोसिस पढ़ा जाता है इसे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक बात समझ लें कि किफोसिस क्या होता है, इसमें होता क्या है। ये लिखा है या पोर्ट्स कर्वेचर के बारे में, ये लिखा है पुअर्स पोस्चर इन द चाइल्ड एंड सच एंड स्लॉगिंग एंड लीनिंग बैक इन द चेयर्स एंड कैरिंग द हैवी द स्कूल बैग्स। इस पर होता क्या है आप डायरेक्टली यहाँ से समझें। इस पर कोई भी बेबी होता है, अगर उसको सही पोजिशन पर नहीं बैठाया जाता, सही पोजीशन पे नहीं बैठा जाता, अगर बेबी बहुत छोटा है उसको काफ़ी वजन वाला बैग लदा दिया जाए या बैग उसकी पीठ में बांध दिया जाए या दे दिया जाए, उसको स्कूल भेज दिया जाए, मतलब जितना वो सह ना सके उससे ज़्यादा, या आप खुद समझ सकते हैं कि उसे कितना वेट वो ढो सकता है, कितना वेट वो ले जा सकता है, आप उसकी पीठ पे क्या है ज़रूरत से ज़्यादा बोझ दे दें या ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ लाद दें या बांध दें, तो उसमें क्या होगा उसके मसल्स में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाएंगे या उसके लिंगामेंट क्या होंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है ये किफोसिस हो जाता है। ओके, किफोसिस हो जाता है, या यूं कहें कि बच्चों को कहीं चेयर एयर में बैठाएंगे या कहीं भी बैठाएंगे उनको सही पोस्चर से नहीं बैठाया जाए, सही पोजीशन से नहीं दिया, सही आसन में नहीं बैठाया जाता, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। वर्टब्री में भी उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती है और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से क्या है किफोसिस हो जाता है। ओके, यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है पोर्ट्स डिसीज को और किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम होता है जिसे ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है। यहाँ पर ये नाम मेंशन है, आप देख सकते हैं, ये लिखा है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन डिसीज कास्ड बाई एंडी कोलेप्स ऑफ द वर्टिब्री, और इसकी वजह से क्या होता है ये वर्टिब्री होता है कोलेप्स हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है किसका? स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ये लिखा है ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। कहाँ का? स्पाइन का। स्पाइन मतलब जानते हो कि बैकबोन की ये हड्डी के हड्डियाँ जो होती हैं यहाँ पर ये स्पाइन्स होता है, ठीक है, आप इतना ही कम से कम समझ लें, ज़्यादा ना समझें। और जब वो बच्चे छोटे होंगे, एक बात समझें, जब वो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान लाद दिया जाता है पीठ में या स्कूल बैग दे दिया जाता है या उनको सही पोजीशन पे नहीं बैठाया जाता, तो बच्चों की पीठ पे जो कूबड़ नहीं होता, कूबड़ जानते होंगे जिसे हंच बैग कहा जाता है, ठीक है, कूबड़ निकलने लगता है। क्या इसका जो मेन कारण होता है कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, मतलब वो क्या होता है कर्व हो जाता है, आप इस तरह समझ लें, या जो पीठ होगी पीठ में क्या होगा कूबड़ सा निकलने लगता है, पीठ में कूबड़ सा निकलने लगता है, इसकी वजह से पोर्ट डिसीजेज को ही इस नाम से जाना जाता है और ये सारे कारण उसके मेंशन है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है किफोसिस के लिए कौन सा वंशानुगत रोग जिम्मेदार है। अब यहाँ पर पढ़ लें, हेरेडिटी डिसीजेज के बारे में पूछा गया, विच हेरेडिटी डिसीजेज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द किफोसिस, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्पेलिंग देख लें आप क्या मेंशन है यहाँ पर स्पेलिंग पे, ये लिखा है स्यूरेमेंस डिसीजेज पढ़ा जाता है इसे, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लें अच्छे से, और इसे हिंदी में लिखना संभव नहीं था इसलिए आप इसे इंग्लिश में ही याद रखें, और इंग्लिश में आप थोड़ा सा भी गेस करेंगे स्पेलिंग स्पेलिंग पे तो आप करेक्टली आंसर को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता है क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेशन करते हैं और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वो हिंदी का ट्रांसलेशन दोबारा चेक नहीं करते, तो आप इसलिए इसे इंग्लिश में याद करें, क्वेश्चन पढ़ लें आप आंसर याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इस प्रकार ये लिखा है सीरोमेनस के किफोसिस इज अ कंडीशन अफेक्टिंग द अपर बैक, कि अपर बैक को प्रभावित करता है, इट मेक्स द अपर बैक राउंडेड सो इट लुक्स दी हंस्ड ओवर, इट्स समटाइम्स कॉल दी ये। ओके, पढ़ लें आप यहाँ पर मेंशन है, ये लिखा है सिच्योरमेंस एंड डिसीज, स्पेलिंग देख लें आप काफ़ी टफ लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि अपने अपने हिसाब से आप पढ़ेंगे इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे। ओके, तो स्पेलिंग में फोकस करें, लेकिन जो इसे सही तरह से पढ़ा जाएगा इसे पढ़ा जाएगा सिच्योरमेंस डिसीजेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पढ़ लें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे मेंशन है यहाँ पर टांगों की असामान्य लंबाई के कारण होने वाली विकृति कौन सी होती है, व्हाट इज द डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल लेंथ ऑफ द लेग्स, मतलब टांगों की जो लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से जो एक विकृति उत्पन्न हो जाती है उसको क्या कहते हैं,
एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, मतलब ये कहते हैं इसको इस्क्योलाइसिस पढ़ते हैं इसे, क्या? इस्क्योलाइसिस। आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। जो टांगों की असमान लंबाई बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसे एक मतलब एक प्रकार की विकृति क्रिएट होती है, उसको क्या कहते हैं? इस ये एस्क्योलाइसिस कहा जाता है। यहाँ से आप पढ़ लें। और ये एक प्रकार का साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है, मतलब साइड वे ऑफ द जो स्पाइन होता है, एक प्रकार का वहाँ पर साइड वे कर्वेचर होता है, ठीक है? आप स्पाइन होता है यहाँ पर, ये इसके लिए इसकी प्रॉब्लम्स होती है। ये लिखा है स्कोलाइसिस अकर्स मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग द ग्रोथ, ये जब जब बेबी या बच्चे क्या होते हैं मतलब बढ़ रहे होते हैं, तब ये मोस्टली क्रिएट होता है। कौन? स्कोलाइसिस। जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी के पहले, मतलब या यूं कहें कि ये 10 या 12 साल के पहले ये क्रिएट होता है। कौन सा? स्कोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15, ये लिखा है लॉर्डोसिस मेरुदंड के किस क्षेत्र का विकार है? लॉर्डोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच एरिया ऑफ स्पाइन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये लिखा है लंबर। लॉर्डोसिस मेरुदंड के किस क्षेत्र का विकार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप देख लें, ये लिखा है लॉर्डोसिस, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप लिख सकते हैं पढ़ने के लिए अपने, समझ सकते हैं। यहाँ पर लॉर्डोसिस इज फाउंड इन ऑल एज, ये लॉर्डोसिस जो होता है ये सभी एज में पाया जाता है। इट प्राइमरी अफेक्ट इन लंबर स्पाइन, ये लंबर स्पाइन को अफेक्ट करता है। ये क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली, ये L1 L2 L3 L5, इसको लंबर कहा जाता है, क्या? लंबर स्पाइन के नाम से जाना जाता है। ओके ये जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती ये वाली, ठीक है? यहाँ पर L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है, इतना पार्ट को लंबर के नाम से जाना जाता है। आप इस तरह समझते हैं कि लंबर स्पाइन कहा जाता है इसे, ठीक है? और ये लॉर्डोसिस किसी भी एज में हो सकता है। ये किसे प्रभावित करता है? लंबर स्पाइन को प्रभावित करता है। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आपके लिए वर्ड लिखे गए हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लॉर्डोसिस द इनवर्ड कर्व ऑफ दी, ये अंदर की ओर कर्व हो जाता है, जो स्पाइन होता है अंदर की ओर कर्व हो जाता है, जस्ट एबव द बुटक, मतलब बुटक के ऊपर। आई स्मॉल डिग्री ऑफ द लॉर्डोसिस नॉर्मल, अगर छोटी डिग्री है बे स्मॉल मतलब झुका हुआ है, तो इसे कहेंगे नॉर्मल है। L1 L2 अगर छोटी थोड़ी थोड़े कम डिग्री पे मतलब झुका हुआ है, ठीक है, तो उसे कहेंगे नॉर्मल है। अगर टू मच अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे इसे स्वे बैक के नाम से भी जाना जाता है, क्या? स्वे बैक के नाम से भी। एक यहाँ पर लॉर्डोसिस का जो सबसे सामान्य कारक होता है पोस्चरल किफोसिस हो जाता है, मतलब जब बच्चे होते हैं वो जब सही से उनको पोजीशन में बैठाया नहीं जाता, कभी वो उल्टे सीधे बैठते हैं, कभी चेयर में बैठा दिया जाता है, कभी उनको मान लो कहीं पर फर्श में बैठा दिया जाए, फ्लोर में भी सही पोजिशन या सही पोस्चर या सही आसन में नहीं बैठाया जाता, तब ये क्रिएट होता है। कौन? लॉर्डोसिस क्रिएट होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? लंबर स्पाइन को प्रभावित करता है। लंबर स्पाइन किसे कहते हैं? ये जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके इतने पार्ट को L1 L2 L5, इसको लंबर स्पाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, पढ़ें अपना आंसर बताएं। सबसे सामान्य एवं सबसे अधिक घटना पूर्व दौरे कौन से हैं? पढ़ लें आप, व्हाट आर दी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट प्रोसीजर्स? दौरे नहीं आते, ये पूछा गया है यहाँ पर। सबसे सामान्य और सबसे अधिक घटना पूर्व दौरे कौन से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये टॉनिक क्लोनिक। आप इसी तरह याद कर लिए, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे सामान्य एवं सबसे अधिक घटना पूर्व जो दौरे होते हैं, दौरे नहीं आते, किसी किसी को आते हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चलिए यहाँ पर देख लें आप, काफ़ी जानकारी आपके लिए मिशन है। इससे टॉनिक टॉनिक क्लोनिक दौरे होते हैं जो काफ़ी घटना पूर्व होते हैं, ठीक है? ये लिखा है टॉनिक क्लोनिक सीजर्स प्रीवियसली नोन एज दी ग्रैंडमल सीजर्स। एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसका जो नाम है ग्रैंड मल सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पेलिंग आप यहाँ से लिख लें, ये जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है इसे और किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, ग्रैंड मल सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर है आर द मोस्ट ड्रामेटिक टाइप ऑफ द इपिलेप्टिक सीजर्स एंड द कैन काज इट एंड द एब्रप्ट लॉस ऑफ द कॉन्सियसनेस बॉडी एंड स्टिफिंग एंड शेकिंग एंड समटाइम्स लॉस ऑफ द ब्लैडर एंड कंट्रोल एंड बाइटिंग ऑफ द टंग। इसमें होता क्या है, जब भी इस प्रकार के किसी को दौरे आते हैं ना, ये वाले जब भी इस प्रकार के किसी को दौरे आते हैं ना, तो उसकी बॉडी क्या होती है? अकड़ने लगती है, हिलने लगती है, डुलने लगती है बहुत, और ब्लैडर ये यहाँ पर लिखा, वो उसका जो ब्लैडर होता है ना, मूत्रालय मूत्राशय, वो भी तक क्या होता है? अब्सेंट हो सकता है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है,
वो अपनी जीभ, उसकी जीभ तक भी कट सकती, जो टंग होती है ना जीभ, वो तक भी उसकी कट सकती है, किसमें, दौरे में। और वो कौन से दौरे में, टॉनिक क्लोनिक दौरे, मोस्टली ये काफ़ी कॉमन होता है, ये काफ़ी कॉमन होता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड मल सीजर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जब दौरे आते हैं तो वो अनकॉन्सियसनेस हो जाता है और अचानक से अनकॉन्सियसनेस उत्पन्न होगी, उसकी बॉडी कड़ी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और क्या होता है, सीकिंग हो जाए, मतलब हिलने डुलने लगता है बहुत तेज़, इसी को दौड़ा कहा जाता है। ओके, और उसकी जीभ भी कटने के काफ़ी चांसेस होते हैं, खतरा होता है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे मेंशन है न्यूरो हाइपोसिस द्वारा, यहाँ पर लिख लेना, न्यूरो हाइपोसिस द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न से कौन सा है। न्यूरो हाइपो हाइपोसिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेटेड हार्मोन्स, यहाँ पर आप देख ले इंग्लिश में, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, आप यहाँ पर देख लें, ये ऑप्शन दिए गए, मतलब जो इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये जो भी लिखा है यहाँ पर, न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसके द्वारा, या फिसिस पढ़ें आप, इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलेंगे, ऑप्शन होगा डी इसका, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसी से रिलीज हो जाता है, किससे, न्यूरो हाइपोफिसिस के द्वारा। और एक हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स निकलते हैं इससे, या सिक्रेटेड होते हैं या स्रावित होते हैं, आप इस तरह समझ सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये दो हार्मोन्स इसके माध्यम से निकलते हैं। डिटेल्स मेंशन है, आप पढ़ें, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिखा है न्यूरो हाइपोफिसिस रिलीज द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर द सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ये भी एक प्रकार की क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं हिंदी में ये, एक्सोटो ये लिखा है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, ये लिखा है द पोस्ट पोरियर, ये लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसी को ये कहा जाता है, इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ दी, लोकेशन बताई जा रही है इसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द विच इज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, कम से कम इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, एक ये दो हार्मोन्स इससे निकलते हैं, ठीक है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, अगर ध्यान देना है आपको, तो ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास ये स्थित होती है, जहाँ से ये हार्मोन्स निकलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट लिखा है द पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज नर्व टिश्यू, एक प्रकार का क्या होता है, नर्व टिश्यू होता है, इसी के नाम पर इसका नर्व टिश्यू होता है ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, न्यूरो हाइपोसिस नाम पड़ा इसका, ये वाला नाम। कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे इससे, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है और वैसोप्रेसिन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है, 18 नंबर, किस आयु पर बच्चों की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है, 100 सेंटीमीटर होती है, एट व्हाट एज डज द हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन बिकम द 100 सेंटीमीटर, मोस्टली लोगों ने सही आंसर बताया, जिनका गलत है वो देख लिया यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 4 वर्ष की एज पर या उम्र पर जो बच्चों की ऊंचाई होती है, मतलब हाइट होगी, वो 100 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। आप यहाँ पर देख लें, कई डाटा मेंशन किए हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 साल में जो बच्चों की ऊंचाई होगी ये लिख लें आप, जो बच्चों की जो हाइट होगी कितनी होगी 3 साल में, 4 साल का तो हमने बता दिया क्वेश्चन में, 3 साल के जो बच्चे होंगे, ये मेल पर्सन के लिए मोस्टली डाटा है, ठीक है, फीमेल के लिए अगर बात करें तो कॉमन सी बात है, आपको केवल आप केवल मेल का लिख लें, उसमें फीमेल में क्या करना, 2-3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास कम करके आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए मोस्टली जो कॉमन डाटा ही हमने कवर किया है यहाँ पर, 3 साल की जो बच्चों की ऊंचाई होगी या सेंटीमीटर में कितनी होगी, 95.2 सेंटीमीटर, आप मोटी मोटी बात ध्यान रखना, 95 या 96 सेंटीमीटर आपको एग्जाम्स में मिलेगा, जब भी मिलेगा। 5 साल के बच्चों की जो हाइट होगी 109 सेंटीमीटर 109 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, 110 भी मिलेगा 5 साल के बच्चों में, तब भी आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। 9 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देख लें, 9 साल के जो बच्चे होंगे उनकी हाइट जो होती है वो 133 होती है, कितनी, 133 सेंटीमीटर होती है। ये सभी क्वेश्चन आप लिख लें, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, हमने एक वन लाइनर में सेलेक्ट कर दिए, 10 साल के जो बच्चे होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है, कि कितना कितना ज़्यादा प्लस चलता है, कितना माइनस चलेगा, आप इतना समझ लें कि यहाँ पर कितना कितना सेंटीमीटर बढ़ाया गया है।
तो 10 साल के जो बच्चे होंगे 138 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी, जो 12 साल के बच्चे होंगे उनकी 149 149 या 150, मतलब एक एक सब में कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या है आपको प्लस ही करना, एक एक क्या करेंगे आप प्लस ही करेंगे। ठीक है, और जो 4 साल के जो बच्चे होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन आपको ध्यान रखना कभी कभी 101 मिले या 102 मिले तब भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, एक या दो इधर उधर चलेगा। ठीक है, एक सेंटीमीटर अबाउट चल जाएगा, तो इतनी बात ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप गेस कर सके एग्जाम्स में कि हाँ कितनी हाइट के आसपास होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये सभी क्वेश्चन लिख लेना आप ताकि यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से और भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19, ये एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 19 पे मेंशन है थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता, विच हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। आप देख लें यहाँ पर ऑप्शन सभी एक जैसे हैं, कौन सा नहीं निकलता, मतलब तीन हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्रंथ के द्वारा मतलब थायराइड ग्लैंड के द्वारा निकलते हैं, एक नहीं निकलता, वो आपको बताना होगा कि कौन सा हार्मोन्स नहीं निकलता। जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताएं आप, मैं आपसे आशा करता हूं कि ज़रूर आप इसका आंसर बताएंगे और कोशिश किया करें अपने आंसर बताने का ताकि आपका हेजिटेशन दूर हो। जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं उतना ही क्या होगा आपके अंदर निखार आएगी। प्रैक्टिस ही मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, ओके, प्रैक्टिस ही अभ्यास ही सबको परफेक्ट बना देता है, इसलिए आप प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है 96 ज़रूर देखें, पीडियाट्रिक्स से वो भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।